चलिए अब बात कर लेते हैं बेगमगंज की, जहां जनपद शिक्षा केंद्र बेगमगंज अंतर्गत प्राथमिक शाला खमरिया टीएनजी सहित अन्य विद्यालयों में शिक्षक अपनी ड्यूटी से नदारत रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं बच्चे अपनी इच्छा से ही स्कूल में आने जाने और पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति की वजह से छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। विद्यालय तो खुद खुल जाते हैं, लेकिन छात्रों को पढ़ाने शिक्षक ही नहीं है। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते नजर आते हैं। आपको बता दें कि कोविड की वजह से 2 वर्ष से यहाँ शैक्षणिक गतिविधियां बेपटरी हो गई थी। वहीं अब शिक्षकों की अनुपस्थिति की वजह से छात्र छात्राओं की पढ़ाई चौपट हो रही है। शिक्षक बच्चों को उन्हीं के हाल पर छोड़कर अपने घर बैठकर वेतन उठा रहे हैं। छात्र छात्रा शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण पूरा समय खेल में व्यतीत कर देते हैं और समय पूरा होने के बाद वापस घर लौट आते हैं। संकुल केंद्र सुनवाहा के अंतर्गत आने वाली ये प्राथमिक शाला का गांव आदिवासी बाहुल्य है, जहां पर गरीब वर्ग के आदिवासी लोग रहते हैं। किसी कक्षा में पढ़ा तो? चौथी। कौन सा गांव है जो? खमरिया। टीएनजी। डेली आते हो आप स्कूल? हाँ। तुम्हारे टीचर कब से नहीं आए? कितने बजे का बेटा? 12 बजे का। देखिए यदि आप ऐसा बता रहे हैं तो हम अभी जाएंगे वहाँ की जांच करवाएंगे, और यदि वह अनुपस्थित थे तो उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे जन शिक्षक महोदय हैं। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में संवाददाता सत्यवन जुड़ चुके हैं। सत्यवन, ये बेगमगंज से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर जनपद शिक्षा केंद्र बेगमगंज अंतर्गत प्राथमिक शाला खमरिया टीएनजी सहित तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक मौजूद नहीं रहते हैं, अपनी ड्यूटी से नदारत मिलते हैं। ऐसे में इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं बेहद प्रभावित हो रही है। कार्रवाई क्या होती है, जन शिक्षक वगैरह जांच प्रतिवेदन बना के ले जाते हैं, किंतु उच्च अधिकारियों इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे लापरवाह शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बस स्कूल आते हैं। सत्यवन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में स्कूल के प्राचार्य अजय दुबे जुड़ चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले तो सातना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मामला सामने आ रहा है जनपद शिक्षा केंद्र बेगमगंज से, जहाँ पर प्राथमिक शाला में जो शिक्षक है वो अपनी ड्यूटी से नदारत रहते हैं। ऐसे में शिक्षा पर काफी असर पड़ रहा है, आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये कल मैडम मेरे संज्ञान में मामला आया है, तो मैंने अपने जन शिक्षकों को और एक वरिष्ठ शिक्षक की समिति जांच समिति बनाई है, और आज जो है वो जांच प्रतिवेदन हम प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी अजय जी, अगर बात की जाए तो शिक्षा काफी प्रभावित है। 2 साल से कोविड काल था, इसकी वजह से अगर गांव की स्थिति देखें तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा सकते वहां के बच्चे। अब 2 साल के बाद में कोरोना ने अपना कहर कम किया, तो ऐसे में शिक्षक अपना कहर बच्चों पर बरपा रहे, क्योंकि उसकी वजह से सीधे शिक्षक परेशान, जो शिक्षा है वो परेशान हो रही है। तो ऐसे में आप कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है, या फिर किसी शिक्षा विभाग से इसकी शिकायत क्यों नहीं की जा रही है? मैडम पहले मामला मतलब संज्ञान में नहीं आया था, अभी आया है, तो कार्रवाई बिल्कुल निश्चित की जाएगी, जो भी मतलब जांच प्रतिवेदन हमें प्रस्तुत किया जाएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी तो अजय जी, अगर देखा जाए तो आपको ये जानकारी कब से मिली है, कब से मामला जो है वो आपके संज्ञान में आया है, और अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्योंकि देखा जाए तो बहुत लंबे समय से बच्चे इसी तरीके से शिक्षा को लेकर पढ़ने को मजबूर है, और शिक्षक नहीं है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। नहीं, ये मामला तो कल ही आया है मेरे संज्ञान में। जी जी, तो कार्रवाई भी बिल्कुल निश्चित की जाएगी जो भी मामला होगा। अच्छा, क्या कार्रवाई की जाएगी आप मुझे ये बता दीजिए। आप जन शिक्षकों को और एक वरिष्ठ शिक्षक को हमने जांच के लिए भेजा है, वहाँ से जो प्रतिवेदन वो बना कर लाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी तो कितना समय लगेगा? कल तक हो जाएगी। जी तो ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कल तक ये कार्रवाई हो जाएगी तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर देखा जाए तो कितने शिक्षक है स्कूल में और कितने शिक्षक नदारत रहते हैं? दो शिक्षक हैं, अब उसमें न्यूज में तो हमने देखा है कि दोनों नदारत रहते हैं। जी तो इस पर अब तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया है?
नहीं तो कल ही तो आया है मैडम हमारे संज्ञान में, पहले यदि आता तो हम पहले एक्शन ले लेते। तो अजय जी एक बड़ा सवाल उठता है कि इतने समय से आपके शिक्षक, अगर हम देखा जाए स्कूलों में, तो स्कूलों में इतने समय से जो शिक्षक है वो नदारद थे, लेकिन अब तक क्या आपको जानकारी नहीं थी? जी नहीं मैडम, ऐसा मामला तो सामने नहीं आया था अभी। जी तो फिलहाल अगर आप कह रहे हैं कि कल तक कार्रवाई हो जाती तो अब देखने वाली बात होगी कि कल तक कार्रवाई होती है या नहीं। अब कल इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अब सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता सत्यवन जुड़ चुके हैं। सत्यवन अगर देखा जाए तो प्राचार्य का कहना है कि उनके जो ये मामला है उनके संज्ञान में नहीं आया, और अब उन्होंने कहा है कि संज्ञान में आ चुका है और इसी के चलते वो कल तक इस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसे में क्या समझा जाए? पहले भी जन शिक्षकों द्वारा कई बार जांच प्रतिवेदन बनाए गए, उच्च अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन उच्च अधिकारियों तक ये जांच प्रतिवेदन पहुंच के ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, और अभी तक यहाँ कोई लापरवाह शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई ना होने से यहाँ के लापरवाह शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं और बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, क्योंकि ये स्कूल से नदारद रहते हैं। जी। तो अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी लापरवाह शिक्षकों के ऊपर। जी। निचले स्तर से जांच होती है, जांच प्रतिवेदन आगे बढ़ाए जाते हैं, किंतु ऊपर जाके ठंडे बस्ते में चली जाती है जांचें। जी तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े होते हैं सत्यवन, क्योंकि शिक्षा की ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं डराने वाली है। वहीं पर अगर प्राचार्य की बात कर ली जाए तो प्राचार्य का ये कहना है कि अभी तक उनके जो ये मामला था उनके संज्ञान में नहीं आया, और कल ही उनके मामले जो ये मामला है के संज्ञान में आया है, तो ऐसे में वो कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए कि आखिर कब तक ये कार्रवाई की जाएगी, और क्या वाकई में ये कार्रवाई की जाएगी या फिर ये सिर्फ प्राचार्य की ओर से आश्वासन है? आश्वासन भी हो सकता है, क्योंकि कार्रवाई तो उच्च अधिकारियों को करना है, इनका काम तो जांच प्रतिवेदन आगे बढ़ाना होता है। और सवाल इस बात का है कि उच्च अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते हैं, उनको इन चीजों का पता भी रहता है कि हमारा कौन सा स्कूल सही संचालित हो रहा है, कौन से स्कूल में शिक्षक लापरवाह है, जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। मोटी तनख्वाह लेने के बाद शिक्षक आते हैं, स्कूल खोला, चाय पान की गुमटी पे अपना समय निकाल देते हैं, और इसके बाद में समय पूरा होते ही ताला लगा के स्कूल में अपने घर चले जाते हैं। जी तो बिल्कुल ऐसे में अब सवाल उठता है, और अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवन तमाम जानकारी के लिए, और आप इस खबर पर लगातार नजरें बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।